हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं ललित और आप देख रहे हो फर्स्ट केयर PD08। तो जैसे कि आप सबको पता है कि लेह लद्दाख का सीज़न जो है वो ऑन हो चुका है, मई मंथ का एंड आ चुका है, रोड्स जो है वो ओपन हो चुकी है, चाहे वो मनाली की तरफ से है चाहे वो श्रीनगर की तरफ से है। तो ऐसे में जो नए राइडर्स हैं जो पूरे साल से वेट कर रहे थे कि हम इस बार लेह लद्दाख जाएंगे, उनके लिए ये वीडियो है क्योंकि वो लोग सर्च करते हैं कि हमें कौन से बजट में राइडिंग गेयर्स लेने चाहिए, कौन से बजट में हमें सामान सारा लेके जाना है, कितना बजट होगा हमारा लेह लद्दाख का। मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ कि हमें लेह लद्दाख जाने के लिए कौन कौन से राइडिंग गेयर्स की जरूरत है, क्योंकि कोई भी राइड करनी हो, कहीं भी जाना हो बाइक पे, तो सबसे पहले आती है आपकी सेफ्टी। पैसा बजट कितना होगा वो बात की बात है, पहले आपकी सेफ्टी जरूरी है। उसी के बारे में ये मैं आपको पूरी वीडियो में बताने लगा हूँ कि राइडिंग गियर्स हमें कौन कौन से जरूरी है, कौन कौन से साथ में लेकर जाने हैं। इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ बजट में ही मतलब कम पैसे अच्छी चीजें बताऊंगा, क्योंकि आप लोग काफी सर्च करते होंगे वीडियोस में, ऑनलाइन शॉपिंग में, कि ये वाली जैकेट अच्छी है, ये हेलमेट अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप वीडियोस देखते हो, वो वीडियोस होती है स्पॉन्सर्ड, उस स्पॉन्सर्ड वीडियोस में उन्होंने उसी ब्रांड के बारे में बताया होता है जिसके लिए उनको पैसा मिलता है। वो गलत नहीं है, अगर मुझे भी कोई स्पॉन्सरशिप मिलेगी तो ऑब्वियसली मैं उस ब्रांड को प्रमोट करूंगा, पर मैं सिर्फ उन्हीं राइडिंग गियर्स के बारे में बताऊंगा जो चीजें जरूरी है और जो चीजें हमें लेकर जानी है और जो चीजें मैंने खुद यूज करी है, मैं उनको ही बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि मुझे ज्यादा महंगे सामान लेने की जरूरत नहीं है। एक सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी अगर आप पैसों में मिल रही है, अच्छी मिल रही है और अच्छा ब्रांड मिल जाता है तो आप वही लेके जाओ। तो चलिए अभी शुरू करते हैं शुरू से कि मेरे राइडिंग गेयर्स कौन कौन से हैं, और आपको इसके बारे में बता दूं कि क्या चीजें जरूरी है और क्या क्या चीजें होगा वो देती है। तो आपको शुरू से लेके एंड पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को पूरा गाइड कर सकूं। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्टिंग में आपको बता दूं राइडिंग गेयर्स हमें कौन कौन से चाहिए। अच्छा हेलमेट, राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट। राइडिंग पैंट की जगह आप नी गार्ड का यूज कर सकते हो, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कैसे। राइडिंग शूज, और हमें चाहिए अच्छे ग्लव्स। शुरू में हम लोग बात करते हैं, हमें सबसे पहले चाहिए अच्छा हेलमेट। मेरे पास जो हेलमेट है वो है SMK का। ये हेलमेट 2 साल पहले लिया था, आप देख सकते हो इसकी कंडीशन वैसी की वैसी है। ये मेरा ब्लूटूथ डिवाइस लगा हुआ है, ये कैमरा का माउंट है। तो इसके खास है कि इसका जो वाइजर है वो एंटी फॉग है, और एंटी फॉग है और इसके अंदर ये आपको डायरेक्ट सनरेज से बचाने के लिए दूसरा वाइजर लगा हुआ है। ये काफी अच्छा हेलमेट रहा है, इसका जो कुशन है वो काफी सॉफ्ट है और कंफर्टेबल फील करता है। मेरे को तो ये हेलमेट काफ़ी अच्छा लगा है, पिछले 2 साल से मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, आगे भी इसी को यूज़ करता रहूँगा, क्योंकि और कोई लेने की जरूरत नहीं है। इस हेलमेट को मैंने 4,000 के पास लिया था, अब तो ये शायद कम हो गया होगा इसका रेट, क्योंकि 2 साल पहले लिया था, अब तो काफ़ी सस्ता हो चुका होगा। अगर आप चाहते हो इसको लेना तो आप सर्च कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई दूसरा हेलमेट भी ले सकते हो। हेलमेट एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको कंजूसी नहीं करनी है, आप अच्छा हेलमेट लीजिए, क्योंकि सर की चोट बहुत बुरी होती है, मेरे साथ हो चुका है। तो आप एक अच्छा हेलमेट ही लीजिएगा, इसको आप बजट कुछ कम ही सोचिएगा, और अच्छा हेलमेट लेंगे तो आपको आपकी राइड आसान होगी। नेक्स्ट राइडिंग गियर की बात करते हैं, राइडिंग जैकेट। राइडिंग जैकेट जो हमें ऑल वेदर जैकेट चाहिए, मेरे पास जो राइडिंग जैकेट है वो फीगो कंपनी की है। ये राइडिंग जैकेट मेरे को इतनी कंफर्टेबल लगती है, आप देख सकते हो इसमें सारे गार्ड्स लगे हुए हैं, ये बैक गार्ड लगा हुआ है, शोल्डर है, एल्बो गार्ड है। इस जैकेट की खासियत इसके अंदर जो एक इनर लाइनिंग लगी हुई है, आप देख सकते हो जिप लगी है, इनर लाइनिंग रिमूव हो जाती है। इनर लाइनिंग जो है वो विंटर से बचाती है और वाटर प्रूफिंग का काम करती है। समर में आप इसको हटा दीजिए, ये मैश जो है ये आपको गर्मी में आसानी देगा विंड क्रॉस करने के लिए। इसमें आप देख सकते हो रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं और इसके साइड में ये एडजस्टर लगे हुए हैं, आप अपने लूज टाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये राइडिंग सिर्फ 3,500 रुपये की थी, 3,500 की। बाकी जैकेट्स देखोगे आप 7,000 या 8,000 या 10,000 तक की है, इतनी महंगी लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको कम बजट में अच्छी मिल रही है तो आप कम बजट में लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे राइडिंग पैंट की।
राइडिंग पैंट बहुत महंगी आती है, इसलिए मैंने अपने बजट के अकॉर्डिंगली एक कार्गो पैंट्स यूज करता हूँ। कार्गो पैंट्स जो है वो लूज भी होती है और कंफर्टेबल फील कराती है राइड के दौरान। उसको वाटरप्रूफ से बचाने के लिए जो मैंने लिया है वो लिया हुआ है डिकैथलॉन से रेन कटर। वो कार्गो के ऊपर ही एक ट्राउजर होता है जो पहना जाता है जो वाटरप्रूफिंग का काम करता है। उसके साथ आप लेग्स प्रोटेक्ट के लिए अपने नी गार्ड्स ले सकते हो जो आपको गार्ड करेंगे। रेन कटर जो है वो सिर्फ 600-700 रुपये का आता है डिकैथलॉन से। राइडिंग पैंट आएगी आपकी 7-8 हज़ार की इसके पास। तो अगर आप रेन कटर लेते हो नी गार्ड लेते हो तो वो टोटल मिला के आपको 2 हज़ार के पास पड़ेगा। मेरे पास जो रेन कटर है वो ये है डिकैथलॉन का, आप देख सकते हो इलास्टिक लगा हुआ है। ये काफ़ी कंफर्टेबल फील कराता है राइड के दौरान। और इसके नीचे ये एक जिप लगी है और छोटा सा इलास्टिक लगा हुआ है, ये आप शूज़ के ऊपर डाल के बंद कर सकते हो ताकि पानी शूज़ के अंदर ना जाए। ये भी मेरे को 2 साल हो गए यूज़ करते, वैसा का वैसा ही है। तो ये आपको राइडिंग पैंट्स लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपका कम है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हमारे ग्लव्स। ग्लव्स जो है ये चाहिए हमें, एक समर के लिए चाहिए, एक चाहिए विंटर वाले ग्लव्स जो कि वाटर प्रूफ हो। जो मेरे पास समर के ग्लव्स हैं वो ये वाले हैं। ये प्योर लेदर ग्लव्स है, ये मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाए थे 1200 में। इसमें आप देख सकते हो नकल प्रोटेक्शन लगी हुई है और ये इतने अच्छे ग्लव्स हैं क्योंकि मैंने इसके साथ 2-3 राइड्स करी हुई हैं जो कि मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल राइड रही इनके साथ। इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है और इसमें मोबाइल की टच स्क्रीन भी आप यूज़ कर सकते हो। ये तो होगी समर ग्लव्स की बात। जो विंटर के ग्लव्स चाहिए वो ये वाले हैं, ये भी मैंने अली एक्सप्रेस से 1100 में मंगवाए थे। ये देख सकते हो इसमें प्रोटेक्शन सारी लगी हुई है। तो इसमें खास बात इसमें रिफ्लेक्टर्स भी लगे हुए हैं। ये वाटर प्रूफ और वॉर्म दोनों का काम करती है। अगर आपको ये दोनों ग्लव्स चाहिए तो आपको ये राइड से 15 से 20 दिन पहले ऑर्डर करने पड़ेंगे क्योंकि ये इंटर हो जाता है अली एक्सप्रेस से, तो ये आने में टाइम लेगा। तो अगर आप इसको चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहां से ऑर्डर कर सकते हो। और जो लास्ट में हमारे राइडिंग गेट्स में आते हैं वह शूज। मेरे पास ये वाले शूज हैं डिकैथलॉन के 100% वाटर प्रूफ शूज। ये ऊपर से इतने ऊंचे नहीं है पर इसके अंदर अगर पानी चला भी जाए ऊपर से तो ये क्विक ड्राई का काम करते हैं। ये वैसे बेसिकली हाइकिंग शूज है पर अगर आप इसको राइड में भी यूज करोगे आपको बहुत कंफर्टेबल फील रहेगा। मैं इन्हीं शूज के साथ राइड करता हूँ और ये शूज मैंने लिए थे 2600 में डिकैथलॉन से। पर अभी ये मॉडल बंद हो चुका है, अभी आपको 3 से 4 हज़ार वाला एक मॉडल मिलेगा जो 100% वाटर प्रूफ ही होगा। आप चाहे तो उसको ले सकते हैं, अदरवाइज आप आर्मी के शूज ले सकते हैं जो 1500 के पास पड़ते हैं। अगर वो भी नहीं लेना चाहते, आपका बजट ज्यादा है, तो आप फिर राइडिंग शूज ही डायरेक्ट ले सकते हैं। फाइनली यही थे मेरे राइडिंग गेयर जो कि मैं खुद ट्राई करता हूँ, खुद यूज करता हूँ। तो अगर आपको ये पसंद आए होंगे राइडिंग गेयर तो आप इसको ले सकते हो, खरीद सकते हो। और ये बजट मेरा 10 हज़ार के नीचे ही है। अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप उसी शॉपिंग कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो लोग पहली बार राइड पे जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आगे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूँगा जो लेह लद्दाख की प्रेपरेशन के ऊपर ही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।